हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ? फाइंड द रेडियन मेजर्स यानी हमको रेडियन मेजर्स फाइंड करने हैं किसके, करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। जो यहाँ पर डिग्री मेजर्स दिए गए हैं उनके लिए रेडियन मेजर्स फाइंड करने हैं। तो 25 डिग्री है, इसको कैसे बदलेंगे रेडियन में? 25 डिग्री यानी 25 इंटू पाई अपॉन 180। बच्चों, जब डिग्री को हमें रेडियन में बदलना हो तो हम पाई बटे 180 का केवल गुणा करते हैं और फिर डिग्री नहीं बनाते हैं, फिर यहाँ रेडियन लिखते हैं। तो 25 इंटू पाई अपान 180। अब ये अगर किसी नंबर से कट सकता है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा। 5 5 जो 25 और यहाँ 5 3 जो 15 और 3 0 5 6 जो 30। तो इस तरह से 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ गया। तो ये बच्चों पहला पार्ट था। अब सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट का साइन है। अब इसको भी बदलना है तो -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -47 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे, ये 30 मिनट है इसको डिग्री बनाएंगे, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले डिग्री में पूरा बना लेंगे, फिर इस फार्मूले से बदल लेंगे। तो -47 डिग्री और 30 मिनट, 1 मिनट में होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो ये मिनट है, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डिग्री। तो -47 डिग्री और इंटू में 30 बटे 60 कर लेंगे तो ये भी डिग्री हो गया। तो देखिए -47 डिग्री और ये हमारा 30 कट जाएगा ऐसे, 1 और 30 दूना 60, तो ये 1/2 आ गया। तो -47 सही 1/2 डिग्री आ गया। अगर इसमें इसको इसमें बदलें यानी 47 दूना 94 और 1 95, तो माइनस का 95 डिग्री/2 आ गया। अब ये डिग्री में बदल चुका है, अब इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे? पाई बटे 180 से गुणा करके। तो माइनस का 95/2 था, इसमें पाई बटे 180 का गुणा कीजिए। अब इसको सिंपल कर लीजिए, कट जाए तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 बचे 4, 5 5 9 45 और यहाँ 5 3 15 बचे 3 0 यानी 30 5 6 30। तो ये माइनस का 19 पाई बटे 72 रेडियन आ गया। फिर 240 डिग्री है, इसको बदलना है तो 240 × π/180 कर लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, फिर 6 से इसको काट दिया, 6 6 24 और यहाँ 6 3 18। तो इस तरह से 4π/3 रेडियन आ गया। अब ये है 520 डिग्री। तो यहाँ पर ये 520 डिग्री को हमें बदलना है तो इसका मल्टीप्लाई पाई बटे 180 से करा देंगे। तो अब कैंसिल कीजिए, इसको किससे कैंसिल होगा देखिए। अब इसको 2 से आप कैंसिल कीजिए, 0 तो पहले काट दिया, फिर 2 से, तो 2 1 2 2 ना 4 बचा 1 2 यानी 12 2 6 12 26 हो गया, यहाँ 2 9 18। तो इस तरह से 26π/9 रेडियन आ गया। तो ये 520 डिग्री का रेडियन मेजर है। ये पेज 1 था। अब पेज 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है इस पर, फाइंड द डिग्री मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इक्वल 22/7। यानी हमको क्या करना है? फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब डिग्री मेजर्स निकालने हैं और दिया क्या गया है? रेडियन मेजर्स दिए गए हैं। जरूरत हो वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आपको रखना है। तो 11/16 रेडियन है, इसको सबसे पहले चेंज कीजिए। ये 11/16 है रेडियन। तो देखिए अभी हम चेंज कर रहे थे रेडियन को डिग्री में, तो पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो उल्टा कर देंगे, यानी 180 डिग्री/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11/16 था, इसमें हमने 180/पाई का मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये बन गया डिग्री। ये रेडियन अब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ अब डिग्री का निशान बनाएंगे। अब इसको काट दीजिए, 4 चौके 16 और ये 45 चौके 180, ये कट गया 4 से।
अब ये आ गया 11/4 और यहाँ 45/π, पाई का मान हमने रख दिया 22/7। तो ये जो नीचे 7 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, यानी 7/22। अब 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये कट गया, 45 सत्ते 315 डिग्री हो गया और 4 दूना ये 8 आ गया। अब ये डिग्री में हमारी वैल्यू आ चुकी है, इसको सही बटे में लिखेंगे तो इस तरह 39 सही 3/8 डिग्री बन जाएगा। अब ये 39 डिग्री और 3/8 डिग्री इसको अलग अलग पढ़ते हैं, और ये जो 3/8 डिग्री है इसको मिनट में बदलते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, इसको मिनट में बदलिए तो सिंपल होगा। तो 39 डिग्री 3/8 × 60, यानी 60 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा मिनट, फिर डिग्री नहीं रहेगा। अब ये बन गया मिनट, अब काट पीट कर लीजिए तो 4 × 2 = 8, 4 × 15 = 60। तो इस तरह से 15 × 3 = 45/2 आ गया, और ये 39 डिग्री, अब ये मिनट है, 45/2 यानी 22.5 मिनट। अब इस 22.5 में 22 इधर रखें तो ये आधा मिनट बचा, और आधा मिनट में 30 सेकेंड होंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आधे मिनट में 30 सेकेंड होंगे। तो इस तरह से ये नंबर हमारा बदल के आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, इसमें है -4 रेडियन, इसको बदलना है। अब -4 रेडियन को हम बदलेंगे डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई कराइए, डिग्री आ जाएगा। तो अब इसमें पाई की वैल्यू रखें 22/7, तो 22 तो नीचे रहेगा, लेकिन जो 7 नीचे होगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, × 7 हो जाएगा। अब -2 × 180 डिग्री और × 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 25 20 डिग्री आएगा, और नीचे है 11। अब इसको सही बटे में कीजिए, यानी 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये -229 आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो -229 सही 1/11 डिग्री बन जाएगा। फिर इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस का 229 और ये जो डिग्री बना है 1/11, इसको मिनट बनाइए, तो × 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट बन गया। अब ये हो गया आपका -229 डिग्री, और 60 को जब 11 से हम भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, यानी 5 बार चला जाएगा, और फिर क्या बचेगा, 11 × 5 = 55, 5 बार चला गया, 5 बचा रिमाइंडर, तो वही 5/11 बन जाएगा। तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट ये, और 5/11 मिनट। और अब ये जो 5/11 है इसको सेकंड बना लीजिए ताकि सिंपल हो जाए, तो -229 डिग्री 5 मिनट और 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये मिनट हट करके सेकंड बन गया, तो 5/11 × 60 सेकंड। अब ये 60 × 5 = 300 हो गया, 1/11 है, तो 300 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.27। तो इस तरह से हमने ये देखा कि माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और ये 27.27 सेकेंड, ये इतना आ गया। अब ये जो 27 है इसको हम 3 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो अप्रॉक्स में या लगभग में आएगा वो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27.3 सेकेंड आएगा। तो ये बच्चों page 2 था, अब page 3 देखते हैं। page 3 पे थर्ड पार्ट है 5π/3, यानी इसको हमें बदलना है। तो 5π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलिए, 180/π का मल्टीप्लाई कराइए, डिग्री आ जाएगा। फिर पाई से पाई इसमें कट गया, इसलिए वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ेगी। अब 3 6 = 18 होता है, तो 60 आ गया, और 60 × 5 = 300। तो यहाँ पर हमारे इस रेडियन मेजर की वैल्यू 300 डिग्री आ गई। तो ये हो गया। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा 7π/6। तो इसमें क्या करेंगे, रेडियन में है ये, इसको बदलना है डिग्री में, तो 180/π का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट जाए तो बहुत आसान हो जाता है, 22/7 वैल्यू रखनी नहीं पड़ती है, सिंपल हो जाता है। फिर 6 × 6 = 18, 30 आ गया, तो 30 × 7 = 210। तो ये यहाँ पर हमारा जो 7π/6 रेडियन है इसका डिग्री में मान आएगा 210 डिग्री। अब question 3, अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट,
थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको जरा समझेंगे कि क्या है इसमें। अ व्हील मेक्स 360 डिग्री, एक पहिया है जो कि 360 डिग्री का रिवोल्यूशंस बनाता है, कितनी देर में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, तो आपको बताना है कि ये कितने रेडियंस बनाता है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जब ये घूमेगा तो कितने रेडियन बनाएगा, ये आपको बताना है। मतलब क्या है इसका, एक पहिया है जो कि 360 डिग्री रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, मतलब 360 डिग्री रिवोल्यूशन बनाता है 1 मिनट में। तो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन में बनाएगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे किया जाएगा, आइए समझते हैं। रिवोल्यूशंस बाय व्हील इन 1 मिनट, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मिनट में जो पहिया है वो कितना रिवोल्यूशंस करता है, 360 डिग्री का रिवोल्यूशन करता है। तो फिर रिवोल्यूशंस बाई व्हील इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा भाई, 1 मिनट में करता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में निकालना हो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकेंड में अगर इतना होता है, 360 होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 360 बटे 60 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो देखिए कट गया, 60 छक्के 360 होता है, ये 0 ऐसे कट गया, 6 कम 6, 6 छक्के 36, यानी सिर्फ 6 डिग्री आ गया आपका। अब ये 6 डिग्री जो है इसको हमें बदलना है किसमें, रेडियन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रेडियन में बदलिए। तो 6 डिग्री है, कोई बात नहीं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेडियन में बदल गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए 6 1 6 एंड 6 3 18, 0 आ गया। तो अब हमारा जो आंसर आया यहाँ, पाई बटे 30 रेडियन आ गया। तो अब हम जान गए कि हाउ मैनी रेडियंस पूछा गया था, तो कितना आएगा आंसर, पाई बटे 30 रेडियन आएगा आंसर। तो ये बच्चों आज का हमारा वीडियो था, ऐसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को थैंक यू।